दोस्तों लायन और ब्लैक पंथर दोनों ही कैट फैमिली से टॉप शिकारी में से एक माना जाता है, जो दिखने में एक तरफ खूनखार ब्लैक पंथर अपने एक ही बार से दुश्मनी की शेर धर से अलग कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ मौजूद जंगल की राजा शेर अपने बेहतरीन हंटिंग स्किल की वजह से जाने जाते हैं। अपने पंजे से ऐसा शिकारी को अटैक कर देते हैं और उसको पैरालाइज बना देते हैं। अगर क्या होगा एक ब्लैक पंथर और लायन का आमना सामना हो जाए और इस लड़ाई में किसकी होगी जीत? क्या ब्लैक पंथर जंगल के राजा के ऊपर भारी पड़ेगा या तो जंगल का राजा ब्लैक पंथर को धूल चटा देगा? ये चीज देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले ब्लैक पंथर की बात करें। ब्लैक पंथर यानी कि काले चीते पेंगुइन और जैगुआर जैसे मिलते प्रजाति है, जिसे दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति में से माना जाता है। और बात करें बड़े साइज की, औसत लंबाई 35 से लेकर 65 इंच तक होते हैं और इनके पूंछ के बारे में बात करें तो 24 से लेकर 45 इंच तक होते हैं। एक नर पैंथर और मादा पैंथर के बीच में 30% की डिफरेंस दिखाई देते हैं, जहां एक नर पैंथर के किलोग्राम 90 किलो तक हो सकते हैं, वही मादा पैंथर की वजन 60 किलोग्राम तक होते हैं। वही दूसरी तरफ लायन दुनिया के सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है, जो हर जगह पे अपनी ताकत का लोहा मनवा लेता है। लायन कैट फैमिली से सबसे बड़े जानवर माना जाता है। और वही बात करें लंबाई की, जहाँ पे इसका लंबाई 72 से लेकर 82 इंच तक होते हैं, वही इनके पूंछ के बारे में बात करें तो 32 इंच से लेकर 37 इंच तक होते हैं, वही वजन इसके 180 से लेकर 250 ग्राम तक होते हैं, वही थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जहाँ पे ये ब्लैक पंथर के साथ कंपेयर करें तो वजन और ताकत में बहुत ही ज्यादा होते हैं। और बात करें एफ्लुएंस की, वास्तव में ब्लैक पंथर तेंदुआ या तो जैगुआर होते हैं। इनका शरीर काला होने की वजह से इसका ब्लैक पंथर नाम दिया गया है। ब्लैक पंथर जानवर की इसके शरीर में ज्यादातर मेलेनियम मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका शरीर काला हो चुके हैं, जो दिखने में आकर्षक और काफी ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। और इसके शरीर में हल्का पीला और भूरे रंग का धब्बा होते हैं, जो इनके काले फर के नीचे दिखाई होने की वजह से दिखाई नहीं देते। और शेर के मुकाबले इनके शरीर और लसीला और काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। वही दूसरी तरफ बात करें शेर की शरीर काफी ज्यादा मुश्किलियत तो होती है, नर सर पे मौजूद गर्दन पे बाल और दुश्मन के अटैक की वजह से बच जाते हैं। और बात करें इन दोनों में भागने की स्पीड की, और ब्लैक पंथर 65 से लेकर 85 किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं, और वही दूसरी ओर शेर 80 किलोमीटर तक प्रति घंटा तक रफ्तार से दौड़ सकते हैं। स्पीड के मामले में शेर ब्लैक पंथर आसानी से हरा देगा। ब्लैक पंथर लायन के मुकाबले काफी ज्यादा छोटे होते हैं और लायन के तुलना में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और फुर्तीले होते हैं, और कैनाइन टीन्स लायन के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ब्लैक पैंथर अपने शिकारी को गले दबाने के टाइम पे उसके दांत की 1100 पीएसएस की तरह अटैक कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ शेर को लगने वाला बाइट फोर्स 650 से लेकर 800 तक पीएसएस होते हैं। और बात करें अभी हंटिंग एबिलिटी की इन दोनों की, और ब्लैक पैंथर घात लगाकर अकेले शिकार करना पसंद करता है। ब्लैक पैंथर धरती पर रहस्यमय शिकारी में से एक है, जो रात के अंधेरे में शिकार करना जाना जाता है। रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होने की वजह से इसके काला रंग बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं। ब्लैक पंथर के गंध सूंघने की बहुत ही ज्यादा अद्भुत शक्ति पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शिकारी के पास आसानी से पहुंच जाते हैं। वही दूसरी तरफ शेर एक सामाजिक जीव है, जिसे झुंड में रहना ही पसंद है। शेर के झुंड को प्राइड कहा जाता है। वैसे तो रात के समय में शेर ज्यादा शिकार करा देखा जाता है, कभी कभार दिन के समय भी शिकार कर लिया जाता है। शेर को एक अनुभवी जानवर माना जाता है और झुंड में सभी शेर और शेरनी मिलकर प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से अपने शिकारी का माना जाता है। और वैसा तो देखा जाए ज्यादातर शिकारी शेरनी करते हैं, लेकिन जब शिकारी बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो जाए, तब जिसको शिकार करना शेरनी के लिए मुश्किल हो, तब उस झुंड में शेर भी शामिल हो जाते हैं शिकार करने के लिए। शेर वैसा तो अपने इलाका में कोई भी जानवर को शिकार कर लेते हैं, और जंगल की शेर की बात करा जाए तो ज्यादातर हिरनी और बैस इस तरह जानवर को आसानी से शिकार करना दिखा जाते हैं। शेर की एक पंजे इतने जबरदस्त होते हैं कि किसी भी जानवर की गर्दन आसानी से तोड़ दे। वही ब्लैक पंथर इसमें से थोड़ा अलग है, यह ज्यादातर एग्रेसिव स्वभाव का होते हैं, जो गुस्सा आने पे बहुत ही ज्यादा मजबूत जबड़े से और अपने शिकारी का खोपड़ी का हड्डी तोड़ देते हैं। और वैसा तो ब्लैक पंथर ज्यादातर छोटे जानवर को ही शिकार करा देखा जाता है, हालांकि ज्यादा जरूरत पड़ने पे बड़े शिकारी को भी अपने शिकारी बना लेते हैं। और बात करें इंटेलिजेंस
सीजन की कैट फैमिली से लेकर सबसे बड़ा शेरकई माना जाता है, क्योंकि अनुभवी के होने के साथ साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, जो हर काम प्लानिंग और स्ट्रेटजी के वजह से जाना जाता है, चाहे तो वो शिकार करना हो या दुश्मन से लड़ना हो। वही ब्लैक पैंथर बुद्धिमान शेर से काफी ज्यादा कम होते हैं, जो गुस्सा आने पर शिकारी नहीं मालिक को भी नहीं छोड़ते और वो उसको वही मार डालते हैं। सभी बात जानने के बाद अभी बात कर लेते हैं शेर और ब्लैक पैंथर की, इन दोनों की लड़ाई कैसी होगी। वैसे तो लायन के मुकाबले ब्लैक पैंथर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फुर्तीला होने की वजह से काफी तेजी से पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और इनका व्हाइट फोर्स भी शेर से काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये 26 खूबियां जीतने के लिए काफी नहीं, और वही दूसरी तरफ शेर काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर और बहुत ही ज्यादा वजनदार भी होते हैं। लायन की हंटिंग स्किल और शिकार करने की कला और इसी बात के लेकर उसको जंगल का राजा माना जाता है, जो काफी ज्यादा सोच समझ कर ये अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर देते हैं। और वो इस शेर के पंजे ब्लैक पैंथर से पंजे से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शेर की पंजे की एक ही बार से ब्लैक पैंथर को धूल चटा सकता है, और वही दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर की पंजे से एक बार शेर को मार दिया जाए तो और पलट बार कर नहीं पाएगा, जिसके चलते ये तो तय हो जाएगा उसका हार पक्की है। और तो और ब्लैक पैंथर शेर को अपने जबरे से कोशिश करेगा तो क्या होगा, तब भी हराने के लिए शेर के पास बहुत ही ज्यादा मजबूत चीज है, जिसके चलते अंत में शेर की जीत होगी। लेकिन ये तो रहा हमारा विचार, लेकिन आप लोगों को क्या सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक अपने फैमिली के साथ मिले रहिए।